और कैसे मैं चुमा लिया बा और कितना मैं कोरा टंगाई बा। तो ये कहा तरी की आई हो दादा हमर डॉलर में छुआई बा। एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार के लिए उसको देखने उसका श्रोता है जो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। देखिए क्या है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अपने श्रोता को हम कैसे अच्छा दिखें, तो अच्छा दिखने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सोने को मिले या ना मिले, खाने को मिले या ना मिले, क्योंकि अपना जीवन नहीं है, मेरा जीवन मेरे श्रोता का है। कंटिन्यू यही है कि मेहनत करना है, और आदमी हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, और ज़िंदगी भर सीखना है। हर फिल्म में देखी आदमी एक्शन करेला, कॉमेडी करेला, बुलाता है, हंसाता है, और ये शुरू से मुझे एक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। भाग्य होता है कि कभी चोट लगता है, कभी नहीं लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा चोट लग भी जाए, लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगता रहे, बस आशीर्वाद मिलता रहे मेरे श्रोता का, यही मेरे लिए बहुत है। अक्षरा जी एक ठो गाना कहले बड़ी, रानी जी कहले बड़ी, काजल रघवानी जी की हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री हिला के रख देवे वाली मोनालिसा, वहाँ से अपने इंडस्ट्री से हिंदी फील्ड बिग बॉस में जाके पूरा एकदम धमाल मचा के आईली, और फिर से पवन सिंह और मोनालिसा साथ में सरकार राज से इंटर, हम ना हम तो एजे बने आप भी वहाँ हैं, आपका ही गाना बजता था। अरे ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआ है। जब देखो तू लगा बस मोना जी आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं इनके साथ ही सबसे ज़्यादा फिल्म किया हूँ, हमार लकी हीरोइन है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पवन सिंह और मोनालिसा की ये फिल्म सुपर हिट होगी। मैं तो ये कहूँगी कि इस साल का ये मेरा पहला रिलीज है, और वो भी बिग बॉस घर से बाहर आने के बाद, इतना अच्छा लगा देख, मतलब आते ही एक इतनी बड़ी फिल्म मेरी रिलीज़ हो रही है, और उसमें पवन जी हैं एज़ यूजल, अब ये रहेंगे तो हिट स्टेटमेंट है ही, तो उसके ऊपर और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो बहुत नामी एक्ट्रेसेस है इस फिल्म में काम किया है, मैं भी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, स्टोरी माइंड ब्लोइंग है। अरविंद चौबे जी है डायरेक्टर, वो उनकी सारी फिल्म्स ऑलवेज आप लोगों को पता ही है हिट है, तो मैं उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद रख रही हूँ, इट विल बी अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर। देखिए फिल्म जो होता है ना, कितना भी बुराई हो, कुछ भी हो, लेकिन जीत अच्छाई की होती है, यही हम लोग फिल्म में दिखाते हो, चाहे मेरी फिल्म हो या किसी की भी फिल्म हो, फिल्म में एंडिंग अच्छाई का ही होता है और अच्छाई का ही जीत होता है। तो हम फिल्म के माध्यम से बताते हैं देश में भी जो हो रहा है, बुराइयां नहीं होनी चाहिए, हर जगह अच्छा काम हो, अच्छा हो तो सबके भविष्य के लिए अच्छा होगा। अच्छा लगा काम करके, अरविंद चौबे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, हमारे लकी डायरेक्टर हैं, आदमी मेहनत किया है, और अंत करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए बस हीरो यही डायलॉग बोलता है कि अभी चेतावनी देले बानी, सुधर जा, बाकी आप लोग फिल्म में देखेंगे, हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे तो और मजा आएगा। भोजपुरी से मैं, मतलब एज एन एक्ट्रेस मैं जानी गई हूँ, और भोजपुरी से ही मुझे जितने भी हिंदी ऑफर्स आगे भी आएगा या बिग बॉस में भी बुलाया है, उसके लिए सारा श्रेय भोजपुरी को ही जाता है, तो ये मेरे लिए सबसे पहले है, तो मैं वहाँ घर से बाहर आने के बाद भी मैंने भोजपुरी फिल्म का ये शूट स्टार्ट किया है, तो हिंदी के ऑफर्स अगर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली मैं करूँगी, और वो आप लोगों को जल्दी पता चल भी जाएगा। मोना जी ने अभी जो बोला, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए हम तो भोजपुरी से हैं, भोजपुर से हैं, भोजपुर जिला से हैं, मेरे लिए तो मतलब भोजपुरी मेरी माँ है, और भोजपुर से बाहर ये मोना जी बंगाल से हैं, लेकिन बंगाल से होने के बाद भी इनकी इतनी अच्छी सोच है भोजपुरी के लिए कि मैं जो कुछ भी हूँ भोजपुरी से हूँ, कहीं भी जाऊँगी तो मेरे लिए भोजपुरी नंबर वन है। मोना जी थैंक यू, ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपने ये ऐसा हमारे भोजपुरी के लिए बोला, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। Planet Bhojpuri.